हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हाल ही और उनकी सरकार से मंत्री पद छोड़कर भाजपा और शामिल हुए अनिल शर्मा की तारीफ करके सबको चौंका दिया है। सीएम ने कहा कि अनिल भले इंसान है लेकिन परिवार के आगे मजे समयूर होकर भाजपा और गए। उन्होंने कहा कि अनिल को किसी के कहने पर नहीं बल्कि मैंने खुद मंत्री बनाया। अनिल की तारीफ के साथ सीएम ने सुखराम परिवार को आया राम गया राम और गद्दार तलक कह दिया। सीएम ने कहा कि 1998 और कांग्रेस से विश्वासघात करके सुखराम ने अलग पार्टी बनाई। अब चुनावों से ठीक पहले इस परिवार ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा और लोगों की नजरों और यह परिवार अब अधिक दिन नहीं टिकेगा। सीएम ने कहा कि जिस समय से अभिनेता सलमान खान के साथ इस परिवार का रिश्ता जुड़ा है, पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। वह लोगत तौर पर सलमान खान की इज्जत करते हैं। अच्छे इंसान होने के साथ वह एक अच्छे अभिनेता भी हैं। तंज भरे लहजे और सीएम ने कहा कि यह बात अलग है कि पंडित और मुसलमान का अच्छा मेल होता है। सीएम मंडी सदर और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी व कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर के लिए प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस और वंशवाद पर सीएम ने कहा कि चंपा ठाकुर भले ही उन सबके वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह की बेटी है लेकिन अब किसी दूसरे परिवार की बहू है। जिस परिवार और अब वह है उस नाते चंपा को टिकट मिला है। बतौर जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते चंपा पंचायती राज चुनावों और सक्रिय रही है। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी है और समाज सेवा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। वहीं परिवारवाद और विक्रमादित्य को लेकर सीएम ने कुछ नहीं कहा। उधर वीरभद्र सिंह के खिलाफ भाजपा के साथ मिलकर पंडित सुखराम ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सुखराम सीएम के विधानसभा क्षेत्र अर्की और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष और प्रचार करेंगे। सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह के चुनाव क्षेत्र शिमला ग्रामीण और भी सुखराम चुनावी जनसभाएं कर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने मंडी और प्रेस वार्ता और यह जानकारी दी। आश्रय ने कहा कि उन सबके परिवार ने आज तलक स्वच्छ राजनीति की है और यह चुनाव उन सबके परिवार के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई है। उनका परिवार गद्दार नहीं। कहा कि दादा पंडित सुखराम कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे। कांग्रेस ने सोए हुए बब्बर शेर को जगा दिया है। अब वह सब पर भारी पड़ेंगे। उधर मंगलवार को अनिल शर्मा ने कई इलाकों और चुनाव प्रचार किया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।